मैं कौन सी ग्रेफाइट एंड चारकोल पेंसिल यूज करता हूँ अपने स्केच ड्रॉ करने के लिए। तो मार्केट में आप लोगों को कई तरह के ब्रांड की पेंसिल मिल जाएगी चारकोल और ग्रेफाइट में, जो कि एक्सपेंसिव भी हैं और चीप भी हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि जिन लोगों के दिमाग में एक वहम भरा हुआ है कि हम ग्रेफाइट पेंसिल या चारकोल पेंसिल जो भी सस्ते वाली है उसको यूज करेंगे तो हमसे रियलिस्टिक ड्रॉ नहीं होगा, क्योंकि वो यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे बहुत से आर्टिस्ट को देखते हैं जो कि ज्यादा प्रोफेशनली लेवल तक है, जो कि हाइपर रियलिज्म तक अचीव कर लेते हैं अपने ड्राइंग में। उनको देखते हैं कि वो एक्सपेंसिव पेंसिल यूज कर रहे हैं तो वो काफी अच्छा ड्रॉ कर पा रहे हैं, तो अगर हमारे पास एक्सपेंसिव पेंसिल नहीं होगी तो हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये एक मिथ है, ये दिमाग से निकाल देना चाहिए, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं आज तक मैंने कोई भी एक्सपेंसिव पेंसिल परचेज नहीं की है। तो इस वीडियो में आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ, शुरू से लेके अब तक जो मैंने पेंसिल यूज की है स्केच बनाने के लिए, मैं इस वीडियो में आप लोगों को वही बताऊंगा और पेंसिल दिखाते दिखाते मैं आप लोगों को स्केच भी दिखाऊंगा कि इस पेंसिल से मैंने कौन सा स्केच ड्रॉ किया था। तो आप लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन मिल सकती है ये पेंसिल जो मैंने यूज की है, आप परचेज कर सकते हो। इनके मुझे इनका लिंक मिलता है ऑनलाइन से, तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले, मेरे चैनल पे नए आ गए हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल आइकन को दबा देना ताकि आप लोगों को आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मैंने ये जो स्क्रीन पर आप देख सकते हो थैनोस का स्केच है, ये मैंने ड्रॉ किया था एक HB नॉर्मल पेंसिल से जो कि डोम्स की थी, जो कि हम लिखने के लिए यूज करते हैं, उससे ड्रॉ किया था। इतना रियलिस्टिक तक मैंने अचीव किया है। और एक सस्ती सी पेंसिल है 5 रुपए की, इससे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं जैसे कि मैंने भी किया है। और इसके बाद मैंने परचेज की थी ये अप्सरा की ग्रेड वाली पेंसिल, ऐसी थी मेरे पास, इसमें ग्रेड थे 3-4 ग्रेड थे मैंने लिए थे। तो इससे मैंने कुछ पोर्ट्रेट ड्रॉ किए हैं। इसके बाद मुझे शुरू में नॉलेज नहीं थी इन ग्रेड्स की पेंसिल की, तो मैं 2-3 ग्रेड ही परचेज करता था। तो इससे मैंने ये वाले पोर्ट्रेट्स ड्रॉ किए हैं, आप देख सकते हो स्क्रीन में। और इसके बाद मैंने कैमलिन की परचेज की थी जो कि ये वाली, ये आप लोगों को 45 से 50 रुपए की लोकल मार्केट से मिल जाएगी और ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो, बट ऑनलाइन आपको थोड़ी एक्सपेंसिव लगेगी क्योंकि डिलीवरी चार्जेस होते हैं। और इससे भी मैंने काफी पोर्ट्रेट्स ड्रॉ किए हैं, आप ये कैट एंड बटरफ्लाई देख सकते हो जो कि काफी ज्यादा रियलिस्टिक है, ये मैंने कैमलिन की पेंसिल से ही ड्रॉ किया है। और इन जो स्केच है इनकी आपको वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगी मेरे चैनल पे, आप जाके देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हर एक स्केच की वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाली हुई है। और इसके बाद मैंने परचेज की थी ये वाली पेंसिल, ये पता नहीं कौन सा ब्रांड है एक्चुअली, मैंने ऑनलाइन परचेज की थी, ठीक थी नॉर्मल यूज के लिए ठीक थी। इससे मैंने 2-3 पोर्ट्रेट्स ड्रॉ किए थे और धीरे धीरे मैं ऐसे परचेज करता रहा क्योंकि मुझे नॉलेज मिलती रही पेंसिल के ग्रेड की, और उसके बाद मैं परचेज करता रहा। उसके बाद मैंने, अगर चारकोल की बात करूं तो चारकोल में मैंने आज तक एक अप्सरा पेंसिल परचेज की है और एक ये कैमलिन की पेंसिल परचेज की थी मैंने चारकोल में, तो मोस्टली मैं यही यूज करता हूं। पर अब मुझे कुछ अच्छी नहीं लगती क्योंकि इसकी लिड बहुत ज्यादा ब्रेक होती है, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कुछ प्रीमियम क्वालिटी की चारकोल पेंसिल बाय करने की, तो उसका रिव्यू मैं करूंगा अगर मैं बाय करता हूँ तो। तो इसके बाद मैंने आर्ट लाइन की पेंसिल परचेज की थी ऑफलाइन से, और उससे मैंने कमीशन वर्क किया था एक, और एक पोर्ट्रेट ये वाला है, ये वाला मैंने ड्रॉ किया था। और उसके बाद मैंने कोई पोर्ट्रेट उससे ड्रॉ नहीं किया और मैंने वो पेंसिल किसी को दे दी। मुझे कुछ खास अच्छी नहीं लगी मेरे एक्सपीरियंस से। और इसके बाद मैंने एक पेंसिल बाय की थी ये वाली फेबर कैसल, ये भी सस्ती मिल जाएगी आपको 45 से 50 रुपए की मिल सकती है। और इससे मैंने काफ़ी पोर्ट्रेट ड्रॉ किए हैं क्योंकि इससे डार्क टोन बहुत अच्छी मिल जाती है, और मेरे मेरी तो ये फेवरेट पेंसिल बन चुकी है फैब्रिक कैसल की, और मैंने इससे ये वाले पोर्ट्रेट ड्रॉ किए हैं। और इसके बाद मैंने काफ़ी सर्च किया था डॉम्स की पेंसिल जो ग्रेड्स में आती है ग्रेफाइट की, वो सर्च किया था मैंने, मुझे नहीं मिली ऑनलाइन से। तो वीके आर्ट बुक का चैनल मैं देखता था तो उन्होंने डॉम्स की पेंसिल का रिव्यू किया था, तो मुझे लगा था कि मैं भी यूज करके देखता हूँ, बट मुझे ऑनलाइन नहीं मिली, तो फिर मुझे ऑफलाइन मिल गई लॉकडाउन के बाद। तो मैंने 2 ही डब्बी परचेज की थी, अगर आप इसको ऑनलाइन परचेज करते हो तो आपको बहुत महंगी मिलेगी, बट मैंने लोकल मार्केट से परचेज कर लिया था तो मुझे ये सिर्फ 35 रुपए की 1 डब्बी मिली थी, 70 रुपए की 2 डब्बी मैंने परचेज की थी।
इससे मैंने दो ही पोर्ट्रेट ड्रॉ किया है जो कि स्क्रीन पे आप देख सकते हो। और आज तक मैं बात करूँ तो मेरे पास यही पेंसिल मैंने परचेज की है, कोई एक्सपेंसिव पेंसिल आज तक मैंने परचेज नहीं की और ना मैंने कभी यूज़ की है। तो आप देख सकते हो मैंने काफ़ी जो पोर्ट्रेट्स ड्रॉ किए हैं मैंने इस चीप पेंसिल से ही ड्रॉ किए हैं। तो ये दिमाग से निकाल दीजिएगी, अगर आपके पास एक्सपेंसिव पेंसिल नहीं है तो आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे रियलिस्टिक पोर्ट्रेट। तो ये तीन पेंसिल और अप्सरा कैमलिन की चारकोल पेंसिल और आर्ट लाइन, आप इनमें से कोई भी पेंसिल यूज़ कर सकते हो। और मेरे एक्सपीरियंस से मुझे ये लगता है कि आपको पेंसिल या पेपर एक्सपेंसिव मैटर नहीं करता, आपकी स्किल मैटर करती है। अगर आपने बनाना है तो आप बना सकते हो। इस वीडियो में आज इतना ही, मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना और मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।